हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीएससी पे। दोस्तों, आज हम अपने यहाँ घटना चक्र इकोनॉमिक्स की सीरीज जो हमारी चल रही थी, आज इसका ये पार्ट टू का वीडियो यहाँ पे अपलोड हो रहा है। दोस्तों, आज हम यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम यहाँ पे दोस्तों प्लानिंग के क्वेश्चन को देखेंगे। प्लानिंग टॉपिक के क्वेश्चन को देखा जाएगा दोस्तों आज यहाँ पे। यहाँ पे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं अपने दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्लानिंग में फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग इज सब्जेक्ट इन इन पहला ऑप्शन है स्टेट लिस्ट, दूसरा ऑप्शन है यूनियन लिस्ट, तीसरा ऑप्शन है कंकरेंट लिस्ट और चौथा ऑप्शन है नॉट स्पेसिफाइड इन एनी लिस्ट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन होगा सबसे करेक्ट वो है कंकरेंट लिस्ट। अब देखिए दोस्तों, अब जैसा कि मेरी शुरू से आदत है, मैं जब भी कोई चीज को बताता हूँ, ऑप्शन को बताता हूँ, तो इसका थोड़ा सा एक सार बताता हूँ। देखिए दोस्तों, दो लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट होती है। जो कंकरेंट लिस्ट होती है ना दोस्तों, ये कह सकते हो कि कंकरेंट लिस्ट इज बेसिकली प्रिपेयर्ड अंडर द सेवेंथ शेड्यूल। सेवेंथ शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है ना, उसके तहत ये प्रिपेयर किया गया। अब ये जो प्रिपेरेशन होती है दोस्तों इकोनॉमिक प्लानिंग की, ये ज्वाइंट में बनती है। ज्वाइंट इन द सेंस समझने की कोशिश करिए, स्टेट की भी बनती है और यूनियन की भी बनती है, मतलब दोनों के सह से ये प्रिपेरेशन की जाती है। तो ये जो दोनों की प्रोसेस होती है ना दोस्तों, स्टेट की और ये जो दोनों की प्रिपरेशन है दोस्तों, स्टेट की और यूनियन की, ये स्टेट और यूनियन मिलके कंकरेंट लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे टॉपिक हुआ। अब देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, इसमें से निकल के भी जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये था सेवन शेड्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब दूसरा प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, ये 2020 में आया था पीसीएस प्री में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसलिए मैंने इसको उठाया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है, आप देखोगे द डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग एंड द एवोल्यूशन ऑफिस विच मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ लॉन्ग टर्म इन पॉलिसीज। मतलब क्या क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट और मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन ऑफ ऑफिस, ये देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट टर्म हो गया, विच मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इन अटैच्ड ऑफिस अंडर। मतलब आप देखोगे कि जो विकास का दर है और जो मॉनिटरिंग है, जो इवैल्यूएशन है, देखिए दोस्तों नीति आयोग किसको रिप्लेस करके बना था, फाइनेंस कमीशन को। फाइनेंस कमीशन जो था उसको रिप्लेस करके नीति आयोग लाया गया। तो फाइनेंस कमीशन का काम क्या करता था, फाइनेंस कमीशन जो होता था वो बेसिकली पैसा कितना एलोकेशन किया जाए स्टेट को, तो जो एलोकेशन होता था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेट करती थी स्टेट गवर्नमेंट को, उसी को फाइनेंस कमीशन बोलते थे, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट होती थी। तो बाद में यही रिप्लेस करके नीति आयोग बना दिया गया 2015 में। ठीक है, तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो नीति आयोग है। तो यहाँ पे आपने दो बातें सीखी, क्या बातें सीखी कि ये जो है नीति आयोग को, फाइनेंस कमीशन को रिप्लेस करके बना, ठीक है, नीति आयोग पहली चीज, और दूसरी चीज क्या है, नीति आयोग का काम क्या है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन करना, मतलब डेवलपमेंट की मॉनिटरिंग करना और इवैल्यूएशन करना। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने यहां इसको, जो इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, आप देखोगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज एन ऑर्गेन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। दूसरा है क्या है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो प्लानिंग कमीशन का ऑर्गेन है। दूसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज केप्ट इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, ये जो है इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग कंकरेंट लिस्ट के तहत आता है, मैंने कंकरेंट वाला बता दिया आपको क्या होता है कंकरेंट। तीसरा जो है स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया प्रिस्क्राइब दैट द पंचायत शुड बी असाइंड द टास्क ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द सोशल जस्टिस। मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत को इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है कि वो इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस को दे पाए। अब देखिए दोस्तों, पंचायत का काम क्या है, पंचायत का जो काम है वो बेसिकली क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों यहां पे जो इसका स्टेटमेंट है, अब आप बताइए कौन करेक्ट है। देखिए दोस्तों, अगर आप इसको ध्यान से नोटिस करो तो आपको समझ में आ रहा होगा दूसरी चीज और तीसरी चीज। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन है दिख रहा है कि ऑप्शन दो और ऑप्शन तीन। देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या चीज बताया कि कंकरेंट लिस्ट में इकोनॉमिक प्लानिंग और सोशल प्लानिंग ये आती है, ठीक है, कैप्ट होती है। अब तीसरी जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया प्रिस्क्राइब द पंचायत शुड बी असाइंड द टास्क ऑफ प्रिपरेशन फॉर द प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। मतलब क्या है दोस्तों कि पंचायत का काम, जो टास्क है वो प्रिपरेशन किया गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और सोशल जस्टिस का। थोड़ा सा दोस्तों इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों, आप देख रहोगे द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज सेट अप इन 1952। मतलब क्या है कि डेवलपमेंट काउंसिल जो है प्लानिंग कमीशन के तहत पहले ही था 1952 में क्रिएट किया गया। एनडीसी का जो गोल था बेसिकली प्रपोज किया था, बाद में वो एबॉलिश कर दिया गया, बट टिल द डेट नो रिजोल्यूशन हैज पास्ड टू एबॉलिश इट। ठीक है, उसके बाद नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल बनाता है। ठीक है, देखोगे नीति आयोग के गवर्नर काउंसिल के तहत क्या होता है कि एनडीसी जो होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का, क्या होता है कि कोई भी ऐसा काम नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको एबॉलिश तो किया नहीं गया था, तो नीति आयोग का कोई भी ऐसा काम नहीं है कि एनडीसी को ना ही वर्क असाइन किया गया और ना ही कोई ऐसी मीटिंग। तो मतलब आप कह सकते हो
कि इसके कंटेक्स्ट में समझने वाली बात यह दोस्तों कि यहाँ पे ये भी करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन टू भी करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन थ्री भी करेक्ट हो सकता है, मतलब समझिए ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे बातें क्या निकल के आ रही है दोस्तों कि आपको यहाँ पे दो चीजें समझनी है। पहली चीज आपने क्या समझा कि इकोनॉमी का प्लानिंग जो है वो कंकरेंट के अंदर आती है, पहली चीज। दूसरी चीज आप ये समझोगे दोस्तों कि जो स्टेटमेंट वन लिखा है ना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज एन ऑर्गन ऑफ प्लानिंग कमीशन, मतलब क्या है दोस्तों कि प्लानिंग कमीशन के पैरेलल बनाया गया है, ठीक है, ये ऑर्गन नहीं है। अगर ये पैरेलल लिखा होता तो आप कह सकते थे कि ऑप्शन वन टू थ्री तीनों सही होते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट वाली बात है ना दोस्तों, इज एन ऑर्गन, यहाँ पे होना चाहिए पैरेलल, मतलब इसके पैरेलल में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात समझ में आई हो। अब चलिए चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथे को देखने से पहले यहाँ दोस्तों पहले पांचवे को देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज फॉलोइंग एज द इकोनॉमिक कैबिनेट ऑफ द इंडिया बाय अशोक चंद्रा, मतलब आप देखोगे दोस्तों ये 2018 का क्वेश्चन है, तो आप देखोगे ये 2018 में उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन बना होगा इकोनॉमिक्स का। अब तो खैर दोस्तों 2022 चल रहा है, तो आप देखोगे अब 2023 में प्री का एग्जाम भी होने वाला है, तो आप देखोगे दोस्तों कि इकोनॉमिक कैबिनेट अशोक चंद्रा जो है वो किसके हैं, अशोक चंद्रा किसके इकोनॉमिक कैबिनेट के बैठक के हैं, हिस्सेदार हैं, तो प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, सेंट्रल कैबिनेट और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, तो प्लानिंग कमीशन, ठीक है दोस्तों। अब चौथे प्रश्न को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, कौन सा इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट है, नाइदर द फाइनेंस कमीशन नॉर द प्लानिंग कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या है कि प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अच्छा ठीक है, इनकरेक्ट की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। अब दूसरा, द स्कोप ऑफ फाइनेंस कमीशन इज लिमिटेड टू द रिव्यू ऑफ रेवेन्यू सेगमेंट ऑफ द बजट, अच्छा। उसके बाद आप देखोगे व्हाइल द प्लानिंग कमीशन टेक्स एंड ओवरऑल रिव्यू ऑफ द इंबेरसिंग बोथ द कैपिटल एंड द रेवेन्यू रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट, मतलब क्या है जो मैंने आपको बताया ना दोस्तों कि क्या स्टेट को, और मतलब कह सकते हो कितना पैसा एलोकेट करना है उस हिसाब से कितने मतलब विकास के दर के लिए पैसों की जरूरत है, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया ना वही यहाँ पे बात है। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी सही है। अब थोड़ा सा देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ बातें समझने लायक है, समझने वाली बात यहाँ पे दोस्तों आपको तीन चार पॉइंट समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है ना, एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे तीन चार चीजें हैं जो क्वेश्चनेबल आगे इसमें से निकल के बन सकती है। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, जबकि प्लानिंग कमीशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या है आप देखोगे कि ऑप्शन ए इसीलिए इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। फाइनेंस कमीशन डिटरमाइन द मेथड एंड द फॉर्मूला फॉर द डिस्ट्रीब्यूटिंग द टैक्स प्रोसीडिंग्स बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट्स एंड अमंग द स्टेट्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स एंड द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट, वही वाली बात है दोस्तों कि जो टैक्स की प्रोसीडिंग है ना सेंट्रल और स्टेट की, क्या मेथड होना चाहिए, कितना एलोकेट करना चाहिए, वो फाइनेंस कमीशन का काम है। बाद में यही चीज आप देखोगे दोस्तों की रिप्लेस हो गई थी। अब देखिए दोस्तों क्या किसके अंदर आता है, 275 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप देखोगे क्या इसका मेथड है, फाइव ईयर प्लानिंग फॉर द सोशल, इसका फॉर्मुलेट क्या है, फाइव ईयर प्लानिंग फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया विच नीडेड टू द रिव्यू ऑफ द बोथ कैपिटल एंड द रेवेन्यू रिक्वायरमेंट, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जो और इंपॉर्टेंट बातें हैं क्या है दोस्तों कि द फाइनेंस कमीशन का जो रूल है 1991 के तहत, इसका क्या है कि इसका कौन सा मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का बनेगा, वो बनेगा जिसके पास फाइनेंस की स्पेशल नॉलेज हो, गवर्नमेंट्स के अकाउंट्स का एक वाइड डायरेक्शन नॉलेज हो, और उसके बाद जो फाइनेंशियल मैटर में एक्सपीरियंस होल्डर हो, उसके बाद आप देखोगे जिसको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र की बेहतरीन मतलब जानकारी हो, तो और इवन आप देखोगे दोज हु हैव बीन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, मतलब आप देखोगे कि वही मेंबर बनेगा जो हाई कोर्ट का कह सकते हो कि एक अपॉइंटेड एज अ जज रह चुका हो, ठीक है, क्वालिफाइड रह चुका हो, तो यही कह सकते हो दोस्तों। यहाँ पे जो चार पांच बातें आपको समझ में आई वो आई, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सातवें प्रश्न को देखिए, सातवां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल इज मेनली कंसर्न्ड विद द इंप्लीमेंटिंग प्लान्स, अप्रूवल ऑफ द फाइव ईयर प्लान्स, मैंने यहाँ पे देखिए दोस्तों फाइव ईयर प्लान्स की डिस्कस कर ही लिया था, तो क्या था मेनली कंसर्न क्या रहता है, अप्रूवल ऑफ द फाइव ईयर प्लान्स, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो गया। इसका भी एक्सप्लेनेशन इसी वाले क्वेश्चन में। अब बारहवें प्रश्न को देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लानिंग कमीशन सेटअप, 1951 पहले भी आपको बता चुका हूं, सॉरी दोस्तों रिजोल्यूशन, एक मिनट दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों 1950 है, प्लानिंग कमीशन सेटअप इन इंडिया, यहां तो फिलहाल 1991 दे रहा है, एक मिनट दोस्तों पहले इसको एक्सप्लेनेशन पूरा पढ़ लेते हैं। द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप बाय द कैबिनेट रेजोल्यूशन इन मार्च 1950 एज एन एडवाइजरी बॉडी इन द परस्यूएंस ऑफ द डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट अ रैपिड राइज इन द इंटरेस्ट ऑफ द एफिशिएंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तो देखिए दोस्तों है तो ये वैसे क्वासी पॉलिटिकल बॉडी, ठीक है, अच्छा दोस्तों हाँ यहाँ प्लानिंग कमीशन की बात हो रही है और हमने फाइनेंस कमीशन को 1951 माना,
देखिए दोस्तों, यही सारी चीजें होती जो मैंने अभी यहाँ पे गलती की ना, अगर मैं अभी प्रीलिम्स में बैठा होता तो मुझसे यही गलती हो जाती। क्यों? क्योंकि अभी तक फाइनेंस कमीशन को डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने सोचा यहाँ पे भी फाइनेंस कमीशन की बात है, इसलिए मैंने ना आओ देखा ना ताओ 1991 लगा दिया, जो कि मेरा आंसर गलत है, होना चाहिए 1950। तो क्या बात है दोस्तों, प्लानिंग कमीशन की बात क्या थी? प्लानिंग कमीशन का गठन किस लिए किया गया था? आप देखोगे कि स्कॉशी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता था पीपल की लिविंग कॉस्ट को डिटरमाइन करना, कि कितना हद तक ज्यादा जो हमारे लिए रिसोर्सेस हैं वो कितना उनके लिए मतलब यूजफुल हो सकते हैं, या कितना इंक्रीजिंग प्रोटेक्शन है, या ऑफर्स है अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट का क्रिएट दर होगा, ठीक है दोस्तों। तो प्लानिंग कमीशन का ये रोल था, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। नौवां क्वेश्चन है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज बेसिकली कंसर्न विद क्या है? अप्रूवल ऑफ द 5 ईयर प्लान, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रूरल डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, उसके बाद आप देखोगे प्रिपरेशन ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, उसके बाद सेंट्रल स्टेट फाइनेंस रिलेशन। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी डिस्कस किया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का कंसर्न क्या है? अप्रूवल ऑफ द 5 ईयर प्लान। अगर देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो, तो क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे आपसे कहा था ऊपर के में, ये देखिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1992 में सेटअप की गई, जो कि प्लानिंग कमीशन के पैरेलल हुआ करती थी, ठीक है। अब वही वाली बात को भी यहाँ पे भी डिस्कस किया गया कि 5 ईयर प्लान के प्लानिंग कमीशन की ये पैरेलल हुआ करती थी, तो जब प्लानिंग कमीशन के पैरेलल है तो वहां पे भी 5 साल की बात है, यहाँ पे भी 5 साल की अप्रूवल की बात होगी, ठीक है दोस्तों। अब 13वें प्रश्न को देखते हैं, 8वें प्रश्न को देखते हैं, 8th क्वेश्चन कौन सा था? हाँ, 9th प्रश्न था। अब दोस्तों 13th क्वेश्चन को देखिए, प्लानिंग कमीशन कैसे कंस्टिट्यूट किया गया? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट के द्वारा, रिजोल्यूशन ऑफ द कैबिनेट, और बाय द रिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। तो वही वाली बात है दोस्तों, क्या है ये? कैबिनेट के द्वारा, कैबिनेट रिजोल्यूशन, देखिए लिखा भी था प्लानिंग कमीशन कैबिनेट रिजोल्यूशन के द्वारा 1950 में ये क्रिएट किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा आप ये लगाओगे, देखिए दोस्तों ये 2003 में आया था, 1999 में आया था, और इसके पहले ये लोअर पीसीएस में आया था और बीपीएससी 11 में। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि घटना चक्र कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं, आज नहीं तो 5 साल बाद सही, 5 साल बाद नहीं तो 8 साल बाद सही, पर बनेंगे जरूर, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए घटना चक्र इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इस सीरीज को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब देखिए दोस्तों 10वें क्वेश्चन को देखिए, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का क्या गठन है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन 1992 में। अच्छा देखिए दोस्तों, दो तीन चीजें ध्यान रखना, प्लानिंग कमीशन 1950 में गठन हुआ, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का 1952 में गठन हुआ, ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि फाइनेंस कमीशन 1951 में, मतलब फाइनेंस कमीशन 51 में हुआ है, ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि एनडीसी 52 में हुआ है, ठीक है, उसके बाद आप देखोगे प्लानिंग कमीशन 50 में हुआ है। तो ये तीन चीजें हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ईयर से फंस सकती हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है कि चेयरमैन कौन होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों, इसका जो चेयरमैन होगा वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा, ठीक है। अब क्या है प्लानिंग कमीशन, क्या है? एक कह सकते हो कि एक एडवाइजरी बॉडी है, क्यों? क्योंकि इसका क्या काम है? क्वासी जुडिशियल बॉडी, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ना, देखिए दोस्तों प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप बाय द कैबिनेट रिजोल्यूशन, इट इज मेनली प्रिस्क्राइब बाय द क्वासी पॉलिटिकल बॉडी, मतलब क्या है कि नॉट क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कह सकते हो कि ये गवर्नमेंट पे इंडिपेंडेंट नहीं, ये कह सकते हो कि एडवाइजरी बॉडी है। एडवाइजरी बॉडी मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना कि कह सकते हो एडवाइजरी मतलब कि देखरेख, देखरेख मतलब कैसे, वैसे प्लानिंग कमीशन का काम क्या है? प्लानिंग कमीशन का काम मैंने आपको बताया ना कि एक्सप्लॉयटेशन कितना हो रहा है रिसोर्सेस का, या क्या एम्प्लॉयमेंट का दर है, तो वही सारी चीजों की जानकारी रखना और उसके बाद इसको एक रिपोर्ट तैयार करके पूरी जानकारी देना, ठीक है। तो ये एक एडवाइजरी बॉडी है, सर्वेयर का काम करना। उसके बाद आप देखो कि हु इज द फाइनल अथॉरिटी इंडिया टू अप्रूव 5 ईयर प्लान, मतलब क्या है कि 5 ईयर के प्लान को, अब तो देखिए दोस्तों प्लानिंग कमीशन तो बंद हो गया ना, बाद में यही रिप्लेस होकर नीति आयोग बन गया, प्लानिंग कमीशन ही पहले अपने इंडिया में हुआ करता था ना पंचवर्षीय योजना, उसी के बाद रिप्लेस होकर प्लान क्या बोलते हैं नीति आयोग बना, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पे ये देखिए समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे क्या है कि हु इज द फाइनल अथॉरिटी इन इंडिया टू अप्रूव, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। हाँ दोस्तों, तो आप देखोगे कि क्या है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला था दोस्तों, जस्ट अ मिनट्स फ्रेंड्स। अच्छा चलिए दोस्तों दूसरे प्रश्न को देखते हैं, वो प्रश्न पता नहीं कहाँ चला गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 15th क्वेश्चन को देखो, हाँ ये रहा कि हु विच इज द फाइनल अथॉरिटी इन इंडिया टू अप्रूव द 5 ईयर प्लान, मतलब आप देखोगे दोस्तों कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अप्रूव करता है, कि प्लानिंग कमीशन अप्रूव करता है, कि प्राइम मिनिस्टर करता है, कि डेवलपमेंट काउंसिल होता है। तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों कि फाइनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन अप्रूव टू नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 5 ईयर प्लान को। प्लानिंग कमीशन क्या है? क्वासी जुडिशियल पॉलिटिकल बॉडी। अब देखिए दोस्तों जिन जिन चीजों का एक्सप्लेनेशन मैं कर चुका हूं, अब डायरेक्ट आपको यहाँ पे ऑप्शंस बताऊंगा, ठीक है। देखिए दोस्तों ऑप्शंस को मैं इसलिए नहीं पढ़ता, क्यों? क्योंकि जितना कम समय में ज्यादा से ज्यादा कवर हो पाएगा, आप भी चाहोगे तो इससे जल्दी जल्दी रिविजन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि नीति आयोग के कंटेक्स में क्या यहाँ पे बातें सही नहीं है,
कि इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया, ये सबसे बड़ा गलत है। प्लानिंग कमीशन ही तो 2014 में डिसॉल्व होकर नीति आयोग बना था, और इट इज ए फुल इट हैज अ फुल टाइम ऑफ चेयरमैन। अच्छा, उसके बाद 2015 में सेटअप किया गया। हाँ, ये बात सही है, 2015 में सेटअप किया गया प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। उसके बाद इट इज बेस्ड ऑन द कॉपरेटिव फेडरलिज्म, सही वाली बात है, संघवाद की यहाँ पे बात तो होती ही है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि इसका जो करेक्ट आंसर है, इट इज फुल टाइम ऑफ चेयरमैन। फुल टाइम ऑफ चेयरमैन की क्या बात है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो होगा दोस्तों, ये वाइस चेयरमैन की बात हो रही है। देखिए, इट हैज अ फुल टाइम वाइस चेयरमैन इंस्टेड, एंड द प्राइम मिनिस्टर इज एन एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। ये देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन है इसका मतलब कह सकते हो कि चेयरमैन कौन, नॉट ए फुल टाइम चेयरमैन इसका नहीं होगा। वाइस चेयरमैन मतलब कि लोकसभा का जो वाइस स्पीकर होगा ना, वाइस चेयरमैन जो स्पीकर होगा वो इसका चेयरमैन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद देखोगे प्राइम मिनिस्टर का एक्स ऑफिस चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों, द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द नीति आयोग कंप्राइजेस द चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज विद द लेजिस्लेचर, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन। देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज के कंटेक्स्ट में क्या बातें हैं दोस्तों, कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है वो हेल्ड करता है, मतलब उसके पास ज्यादा पावर होती है। यूनियन टेरिटरीज का हेड आप कह सकते हो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नीति आयोग केम इनटू एग्जिस्टेंस। नीति आयोग कब आया, नीति आयोग का आने का बेसिकली क्या था, 2015 में आया था, ठीक है दोस्तों। अब नीति आयोग हैज बीन रिप्लेस फ्रॉम द प्लानिंग कमीशन, ठीक है, ये यहाँ पे 1 जनवरी 2015 को आया, ठीक है दोस्तों। इन गवर्नमेंट ऑफ, ये सब देख रहे हो दोस्तों, ये सब लेटेस्ट के क्वेश्चन है, 2014 2015 2018, मतलब कह सकते हो दोस्तों कि हाल ही के क्वेश्चन ये सब आए हैं। तो इसमें से अगर एक दो क्वेश्चन भी अगर बन जाते हैं ना, तो दोस्तों बहुत इजिली मार्क्स आप ग्रप्स कर पाओगे, ठीक है। इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीति आयोग विच हैज बीन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग टैंक, मतलब नीति आयोग के कंटेक्स में कौन है जो इकोनॉमिक पॉलिसी के थिंक टैंक है, नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड इंफॉर्मेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंटीग्रेटेड ट्रीटी इंस्टीट्यूट, नेशनल इंटेक्चुअल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब देखिए दोस्तों क्या है इसका, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, जो पॉलिसी मेकिंग का इंस्टीट्यूशन है ना, वो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूट का है, ठीक है। 21वें क्वेश्चन को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल गोल्स इन इंडिया, मतलब जो इंडिया की जो सस्टेनेबल गोल है उसमें इंप्लीमेंटेशन का काम कौन करता है, उसका काम नीति आयोग करता है, ठीक है। अब हु वाज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, कौन था, अरविंद पंगरिया जी जो थे वो पहले थे, देख सकते हो दोस्तों 2018 2017 का है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पे देखिए दोस्तों क्या लिखा है, अरविंद पनगरिया एंड इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एंड प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट द कोलंबिया यूनिवर्सिटी सर्व्ड एज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, मतलब क्या है कि पहले वाइस चेयरमैन चेयरमैन था, ठीक है। उसके बाद वाइस चेयरमैन जो होगा वो इसका फुल टाइम ऑफिस का हो जाएगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश नीति आयोग टू रिप्लेस, किसको रिप्लेस करके बनाया, फाइनेंस कमीशन को, सॉरी दोस्तों प्लानिंग कमीशन को। कुछ चीजें हैं ना जो ऐसे ही गलत मार्क्स हो जाती हैं, आप लोग दोस्तों ये सारी चीजों का ध्यान रखना। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है ना कि आप पढ़ते बहुत हो लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। देखिए दोस्तों, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना, जैसे प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज्यादा टिपिकल टॉपिक है, लेकिन दोस्तों नाम ऐसे एक दूसरे की कोलाइडल करते हैं ना कि ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो समझने पड़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे वाइस चेयरमैन की बात है, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ठीक है। वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग मतलब आप देखोगे दोस्तों कि आमतौर पे आदमी फर्स्ट कहाँ जाता है, फर्स्ट यहाँ पे जाता है, जैसे वाइस चेयरमैन की बात है तो आदमी सोच लेता है कि स्पीकर, स्पीकर की यहाँ पे बातचीत हो रही है, मतलब कह सकते हो कि लोकसभा के वाइस स्पीकर की यहाँ पे बात हो रही है, राज्यसभा के वाइस स्पीकर की। देखिए दोस्तों, मैं भी यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूज हो जाता था, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। देखिए दोस्तों, मैं भी लर्नर हूँ आप लोगों की तरह, बस फर्क इतना है कि आप लोग को मैं थोड़ा सा सिखा रहा हूँ, आपसे एक दो पायदान इस टाइम ऊपर, ठीक है। आपको पता ही है मेडिकल प्रोफेशन है मेरा, पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है। सिविल सर्विस की तैयारी बेसिकली क्या है, मैं कर नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ मुझे ये सारी चीजों में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो मैंने ऊपर की बात बोली वाइस चेयरमैन वाली, कि वाइस स्पीकर होता है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, कभी कभी देखिए दोस्तों कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, आई अपोलोजाइज माई सेल्फ, ठीक है दोस्तों, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अब 23वें क्वेश्चन को देखिए, फर्स्ट चेयरमैन वाइस नीति आयोग का कौन था, पहले भी यहाँ पे डिस्कस हो गया, अरविंद पनगरिया जी थे। इन नीति आयोग ह्यूमन हेल्थ इंडेक्स 2019 में बिहार कितना स्कोर किया था, ये बिहार बीपीएससी का सवाल है, तो ये 32.11। आप देखिए दोस्तों, ये उस टाइम का लेटेस्ट है जो पब्लिश हुआ था 27 दिसंबर 2021 को, मतलब लास्ट ईयर, तो उस टाइम का ये लेटेस्ट का था, बीपीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इतना था। अब दोबारा अगर दोस्तों कोई बीपीएससी को भी देख रहा होगा ना, बीपीएससी वाले भी, तो ये चीज ध्यान रखना दोस्तों, फंस सकता है ये सवाल। अब हु अमंग द फर्स्ट सीईओ ऑफ द नीति आयोग का पहला सीईओ कौन था, तो अमिताभ कांत, अमिताभ कांत। सेकेंड एंड द करंट सीईओ नीति आयोग के चल रहे हैं 17 फरवरी 2016 से, ये सुंदेशरू खुल्लर की जगह पे हैं।
अब अकॉर्डिंग टू नीति आयोग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन द टॉप इनोवेशन इन इंडिया 2019, मतलब कौन सा टॉप पे है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा? तो इसका आंसर दोस्तों कर्नाटका है। अब 26 पे क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या है, एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ द नीति आयोग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज एमर्ज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी 2014 एंड 15, मतलब 2014 और 15 के कंटेक्स में देखो कि सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कौन सी थी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश तो दोस्तों यहाँ पे, हालांकि दोस्तों ये उसका क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये पॉसिबिलिटी कम है दोस्तों आने की, ठीक है, पर अब दिया है दोस्तों, PYQ है तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, मध्य प्रदेश का रेट दिया है 15.7, और आप देखोगे कि मणिपुर का 15.11, मिजोरम का 15 है, बिहार का 12, ये तो यहाँ पे क्या है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, बिहार को दे रहा है, तो बिहार को फास्टेस्ट अमंग ऑल द स्टेट्स। ये देखिए दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं कंसिडर नहीं करता हूँ, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे खुद डाउट लग रहा है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं कैंसिल करता हूँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप मत मत वो करिएगा, अगर करना भी होगा तो एक बार आप गूगल कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों मैं वही चीज बोलता हूँ जिस चीज में मैं श्योर हूँ, अगर कहीं मैं गलत हूंगा तो मैं जरूर आपसे माफी मांग लूंगा, माफी मांग लूंगा, मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा, ठीक है, तो जहां मुझे डाउट होता है मैं तुरंत बता देता हूँ आपको। अब देखिए दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्लानिंग कमीशन, क्या है कि देयर इज नो मेंशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा ठीक है, उसके बाद आप देखोगे बात सही है, प्लानिंग कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बातें नहीं की गई, कोई इसका नो फिक्स टेन्यूर फॉर द डिप्टी चेयरमैन एंड द मेंबर, अच्छा डिप्टी चेयरमैन का कोई फिक्स टेन्यूर नहीं है, देयर इज ए नो फिक्स प्रिस्क्राइब फॉर द मेंबर, अच्छा ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है दोस्तों, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव की अगर बातें करोगे दोस्तों तो आप देखोगे यहाँ पे क्या बातें आपको सीखने को मिली, इसका गठन कब हुआ था मैंने ऊपर बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नहीं, कोई फिक्स टेन्यूर है नहीं डिप्टी चेयरमैन का, उसके बाद आप देखोगे नो फिक्स क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर, मतलब कोई ऐसी क्वालिफिकेशन है नहीं। अब देखिए दोस्तों प्लानिंग कमीशन के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं, लेकिन नीति आयोग के क्वालिफिकेशंस की बातें हमने कर ली ना, इकोनॉमिस्ट वगैरह, तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अब हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, ठीक है दोस्तों प्लानिंग कमीशन का डिप्टी चेयर इनमें से कौन नहीं है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम एंड मोंटेगस अलुवालिया, तो इसका पी चिदम्बरम है, ठीक है दोस्तों आंसर, हालांकि दोस्तों यानी कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, अच्छा अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये 2005 का है, अब हालांकि दोस्तों प्लानिंग कमीशन रिप्लेस हो चुका है तो नीति आयोग में बन चुका है, तो दोस्तों ये क्वेश्चंस तो बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी नहीं है, मगर हाँ दोस्तों यहाँ पे इसको इस तरीके से जरूर फंसाया जा सकता है कि आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सा प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन रह चुका है, ठीक है, और दो तीन नाम देगा, दो तीन नाम में से यही एक में करेक्ट नाम दे देगा, तो आप चाहो ना दोस्तों तो इसमें से ये भी आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, लेकिन जो दोस्तों प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी ना मैं उसको यहाँ पे जरूर डिस्कस करूंगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है 33 कि इंडिया का विजन 2020 का क्या प्रिपेयर किया गया, किसने प्रिपेयर किया, एसपी गुप्ता कमेटी ने, कि पंत कमेटी ने, कि मल्होत्रा कमेटी ने, कि नरसिम्हा कमेटी ने, तो इसको प्रिपेयर करने वाले एसपी गुप्ता कमेटी ने, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, द प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमेटी ऑन द विजन 220 फॉर द इंडिया इन जून 200 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द डॉक्टर एसपी गुप्ता, अ मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन। अब यहाँ पे क्या था दोस्तों, प्लानिंग कमीशन की जो रिपोर्ट एग्जामिन किया गया था ना, क्या इशू है, इस टाइम मोस्ट पावरफुल एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, मतलब क्या है कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के कंटेक्स्ट में यहाँ पे बातें रिपोर्ट तैयार की गई थी, ठीक है दोस्तों हो गया। अब यहाँ पे क्या है, एक्स ऑफिसो चेयरमैन कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक्स ऑफिसो चेयरमैन प्लानिंग कमीशन का कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्लानिंग, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन या फाइनेंस सेक्रेटरी, तो इसका आंसर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहले भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। और ये बताइए दोस्तों कि इसका फुल टाइम मेंबर कौन होगा, तो इसका फुल टाइम मेंबर वाइस चेयरमैन होता है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं कि प्लानिंग वाज कंसीडर्ड प्री रिक्वेस्ट प्रीक्वेस्ट, तो देखिए दोस्तों क्या है, फॉर बैलेंस सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके बाद फॉर एक्सटेंडिंग द बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट इन इवन मैनर, अच्छा ठीक है, फॉर फोकस फोकस ऑन द रिमूवल ऑफ द रीजनल डिस्पैरिटीज और फॉर मैक्सिमाइजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्स, तो वही वाली बात है दोस्तों, प्लानिंग कमीशन का काम मैंने आपको क्या बताया, प्लानिंग कमीशन का काम क्या है कि कितना बेरोजगारी दर है, कितना लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है, क्या है, ये चीजें देखेगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के क्रिएशन के लिए बातें करेगा, देखेगा और रिसोर्सेज का कितना ज्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, मतलब कह सकते हो कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बैलेंस करेगा यहाँ पे, ठीक है, तो आप इसमें निसंदेह ऑल ऑफ द फोर आंसर होगा इसका, ठीक है, तो 34 भी हो गया। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन को देखते हैं, 32 वाले को देख लेते हैं, 38 को देखते हैं, नेशनल प्लानिंग कमेटी किसने प्रिपेयर की थी, जवाहरलाल नेहरू, ए दलाल, सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री, तो अब देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल क्वेश्चन बन गया कि
कि नेशनल प्लानिंग कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय देन द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस इन अक्टूबर 1938, बोस रिक्वेस्टेड पंडित जवाहरलाल नेहरू टू बिकम इट्स चेयरमैन। मतलब ये हिस्टोरिकल क्वेश्चन है कि प्लानिंग कमेटी किसने सेटअप किया था, सुभाष चंद्र बोस ने कब किया था, 1938 में। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द प्लानिंग इन इंडिया। तो फाइनेंस कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एंड द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट एंड द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द अर्बन डेवलपमेंट एंड द पार्लियामेंट। अच्छा दोस्तों, तो प्लानिंग के एसोसिएशन में क्या है, फाइनेंस कमीशन है, नेशनल रूरल डेवलपमेंट है या यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। तो प्लानिंग की बातें क्या है दोस्तों, प्लानिंग का मतलब क्या है, प्लानिंग के कंटेक्स्ट में प्लानिंग की बात है। प्लानिंग इन द सेंस समझिए कि डेवलपमेंट की बात है, तो डेवलपमेंट क्या है प्लानिंग में, आप यहाँ पे लगा सकते हो द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट एंड पार्लियामेंट। देखिए दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एंड द पार्लियामेंट आर एसोसिएटेड बाय द प्लानिंग। मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, पार्लियामेंट आर एसोसिएटेड विद प्लानिंग इन इंडिया। प्लान आर प्रिपेयर्ड बाय द प्लानिंग कमीशन टू बी द फाइनली अप्रूव बाय नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। मतलब कि प्लानिंग कमीशन की जो कह सकते हो कि बेसिकली प्रिपेयर है ना, ये अप्रूवल जो है वो नेशनल डेवलपमेंट को जाता है। ठीक है, उसके अप्रूवल के बाद ही पार्लियामेंट, मतलब कह सकते हो उसके अप्रूवल के बाद ये प्लान पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 35 क्वेश्चन को देखते हैं। 35 से पहले दोस्तों थोड़े से छुटपुटे क्वेश्चंस को निपटा लेते हैं ना, फिर मेन एक्सप्लेनेशंस वाले रह जाएंगे। चलिए अच्छा दोस्तों, यहाँ पे 40वें क्वेश्चन को देखते हैं कि गांधी, द गांधियन एरा वाज एक्सपाउंडेड इन 1944 बाय, एंड इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2015 का है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। एनआर सरकार, कस्तूरी भाई लाल भाई, जयप्रकाश नारायण एंड श्रीमान एन नारायण अग्रवाल। क्या है कि गांधी जी के, जो गांधी जी का प्लान था इसको क्या था, गांधी जी का जो बेसिक प्लान हुआ करता था इसको कह सकते हो, बेसिकली जो इकोनॉमिक्स थे श्रीमन नारायण अग्रवाल जी, इन्होंने प्रोपाउंड किया था गांधीयन प्लान को 1944 में। इनका एम्फेसिस क्या होता था कि स्मॉल यूनिट और एग्रीकल्चर जो है ना उसके कॉन्टेक्स्ट के एक्सपेंशन को लेके यहाँ पे बातें थी। मतलब कह सकते हो कि उस टाइम जो सेल्फ कंटेन्ड विलेज का जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हुआ करती थी ना, तो जो कह सकते, क्यों, क्योंकि इंडिया तो कॉलोनियल पावर था। जब इंडिया कॉलोनियल पावर था तो कॉलोनियल पावर में आप देखोगे दोस्तों कि जो इकोनॉमी का जो विकास था ना वो पहले अथॉरिटी के हाथ में था, मतलब ब्रिटिश एरा के हाथ में था। फिर धीरे धीरे आप देखोगे तो दोस्तों, जब पॉलिटी आप पढ़ोगे ना तो किस तरीके से आप देखोगे, मोंटे मोनले रिफॉर्म्स हुए, कई सारे रिफॉर्म्स हुए, चार्टर एक्ट वगैरह, तो ये सारी चीजें बाद में आती। जो यहाँ पे देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये फंसने के चांसेस हैं, तो यहाँ पे आपका जो है श्रीमन नारायण अग्रवाल, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड गांधी प्लान, किसने दिया था, श्रीमन नारायण अग्रवाल। ये आईएएस के प्री में भी 2016 में आया था, मतलब 15 में आया पीसीएस में, और उसके बाद 2016 में ये बन गया। हु अपोज द प्लान डेवलपमेंट इन इंडिया, किसने अपोज किया था, महात्मा गांधी ने अपोज किया था। ठीक है दोस्तों, हु अमंग द ड्राफ्ट सर्वोदय प्लान, सर्वोदय प्लान को किसने ड्राफ्ट किया है, जयप्रकाश नारायण ने किया है। जयप्रकाश नारायण ने 1950 में किया था। किसका ये फ्यूचर मैप हुआ करता था, गांधी जी के आइडियल पे इन्होंने बनाया था, फ्यूचर मैप था। 1954 में डेडिकेटेड हिज लाइफ टू द सर्वोदय मूवमेंट टू एस्टैब्लिश ट्रू सोशलिज्म। सोशलिज्म का कॉन्टेक्स्ट आप जानते ही हो, सरकारी कामकाज एक तरीके से शुद्ध भाषा में केक कटेगा, सब में बटेगा। रोलिंग प्लान का क्या है, रोलिंग प्लान इज बैकवर्ड कंट्रीज वाज सजेस्टेड बाय, रोलिंग प्लान का क्या है, किसने किया है सर, किसने सजेशन दिया था, जी मैंडरल ने। अच्छा ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा इसका क्या है एक्सप्लेनेशन ऊपर दिया है, तो इस चीज को डिस्कस, ये पीसीएस 2004 का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं, रोलिंग प्लान के कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ, कि रोलिंग प्लान कंसेप्ट इन नेशनल प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया था नेशनल प्लानिंग को, हाँ द जनता गवर्नमेंट, जनता गवर्नमेंट ने रोलिंग प्लान को, कॉन्सेप्ट को लाया था। अच्छा ठीक है, रोलिंग प्लान कॉन्सेप्ट इन नेशनल प्लानिंग इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द जनता पार्टी गवर्नमेंट इन 1978 एंड 1970। इट वाज रिजेक्टेड, किसने लाया, भारतीय जनता पार्टी 1978-79 में लाई थी। इसके बाद इसको रिजेक्ट कर दिया गया फिफ्थ प्लान ईयर के बाद, प्रीसीडिंग जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, बाद में लॉन्च द प्लानिंग विद बी रिवाइज्ड एज पर नीड ऑफ द इकोनॉमिक ड्यू टू इनहेरेंट फ्लेक्सिबिलिटी। फिर बाद में इसको रिवाइज कर दिया गया था, क्यों, क्योंकि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी प्लान की काफी ज्यादा जरूरत पड़ गई रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है तो मैं इसको यहीं पर पॉज कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब इसका पार्ट 3 आएगा, उसमें बाकी के क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी कई बातें आपको अच्छी लगी हूँ, अगर अच्छी लगी हूँ तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।